प्रियंका चोपड़ा द्वारा एक रोचक खुलासा किया गया। उनका यह कहना है कि शादी की एक मामले को लेकर उनकी माँ उनसे बेहद नाराज रही। प्रियंका ने कहा कि इस शादी में हमने 200 मेहमानों को बुलाया था, जिनमें परिवार के ज्यादातर लोग ही शामिल थे, लेकिन मेरी माँ इस बात से नाराज थी कि मैंने शादी में सबको क्यों नहीं बुलाया। वो पूरी शादी में मुझसे कहती रही कि तुमने अपना हेयर ड्रेसर, ज्वेलरी डिजाइनर को क्यों नहीं बुलाया। प्रियंका ने आगे कहा कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक पार्टी रखूं और उस पार्टी में तकरीबन 15,000 लोगों को बुलाया जाए। माँ यह भी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी है, ऐसे में हर करीबी इंसान को शादी का न्योता जाना बेहद जरूरी। शादी के बाद हालांकि निक और प्रियंका द्वारा भारत में 3 रिसेप्शन पार्टियां दी गई, लेकिन अभी भी दोनों का सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ है। दरअसल हाल ही में प्रियंका के सास ससुर ने भी उनके लिए रिसेप्शन पार्टी रखी और इस पार्टी में जोनस परिवार और प्रियंका के घर से उनकी माँ मधु चोपड़ा तथा भाई नजर आए। इस पार्टी के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आए हैं। इस दौरान दोनों ने केक भी काटा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।